Connecting up. Connecting. Please wait. Connect to router successfully. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव। नो इंट्रो नो टाइम पास, डायरेक्ट काम की बात। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही अफोर्डेबल वाईफाई आउटडोर कैमरा। जी हाँ दोस्तों, ये आउटडोर कैमरा है और वाटरप्रूफ कैमरा है। इसको आप कहीं पे भी बाहर पे लगा सकते हैं, आप अपने गेट के सामने, नहीं तो पार्किंग प्लेस पे और कहीं पे भी लगा सकते हैं। आजकल इस तरह के जो वाईफाई कैमराज होते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत ही ट्रेंड में है और बहुत ही सस्ते दाम पे मिल जाते हैं। इंडोर वाईफाई सीसीटीवी कैमरा आपको मिल जाएंगे 1000 रुपीज से। और जो वाईफाई आउटडोर कैमराज होते हैं वो थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि ये वाटरप्रूफ होता है, इसलिए थोड़ा सा दाम ज्यादा है। इसमें वही सभी फीचर्स है जो इंडोर वाईफाई कैमराज में होते हैं, लेकिन ये वाटरप्रूफ है। और जैसे कि सभी सीसीटीवी कैमराज में होता है, इसमें भी नाइट विजन है और इसका नाइट विजन बहुत ही पावरफुल है और इसमें कलर नाइट विजन भी मिलता है। उसके अलावा इसमें टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब इसमें माइक और स्पीकर भी है। अगर आप मोबाइल से बात करेंगे तो आपका वॉइस कैमरा में निकलेगा और कैमरा के सामने अगर कोई होगा उसका आवाज़ आपके मोबाइल पर आ जाएगा। तो अगर आपके घर पे, ऑफिस पे, दुकान पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो आप ऐसा एक खरीद लीजिए। तो अगर आपको ये लेना है तो इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका दाम इतना भी ज्यादा नहीं है, ये अफोर्डेबल है। अगर आप वो प्रोफेशनल वाला सीसीटीवी कैमराज लेने जाएंगे जिसमें डीवीआर आते हैं, कैमरा अलग से आते हैं, वायर्स होते हैं, वो सबका झंझट इसमें नहीं है, क्योंकि ये वायरलेस कैमरा है। इसको सिर्फ आपको खरीदना है, उसके बाद इसमें एक माइक्रो एसडी कार्ड डालना है और अपने घर नहीं तो ऑफिस का वाईफाई के साथ इसको कनेक्ट करना है, उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है, बस उतना ही। और उसके बाद इसके फुटेज को अपने मोबाइल पे आप दुनिया के कहीं से भी देख सकते हैं। इसके लिए अलग से मॉनिटर का कोई जरूरत नहीं है। और इसमें जो मेमोरी कार्ड डाल देंगे आप, उसी में ही वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा और आप मोबाइल पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वायरलेसली। और अगर आपके घर पे इंटरनेट का प्रॉब्लम है, फिर भी ये कैमरा काम आता है, क्योंकि इसमें लोकल एपी हॉटस्पॉट भी है, तो बिना वाईफाई बिना इंटरनेट का भी ये काम करता है। तो आपको ऐसा एक ले लेना चाहिए। लेकिन रुकिए, उससे पहले इसका फुल रिव्यू देख लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ और इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसका ऐप के बारे में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही इसका जो वीडियो सैंपल है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, डे एंड नाइट का। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो। तो ये रहा वाईफाई आउटडोर कैमरा का बॉक्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाईफाई स्मार्ट कैमरा, इजी टू अचीव रियल टाइम रिमोट व्यूइंग। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट का पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है IP66 वाटरप्रूफ है, वाईफाई कैमरा है लिखा है और मोबाइल पे देख सकते हैं वो भी दिखाया है। तो इसको आप घर पे लगा सकते हैं, बेबी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, दुकान पे लगा सकते हैं, ऑफिस पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ फीचर्स दिया हुआ है, जैसे कि इसमें नाइट विजन है, माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं, वाईफाई एनेबल्ड है, लैन केबल भी लगा सकते हैं, ऐप से चलता है, ह्यूमन डिटेक्शन है, अलार्म पुश है, वन क्लिक फोटो है, इसमें स्पीकर माइक है और इसमें वाईफाई एंटेना है, वो सब लिखा हुआ है। और जी हाँ, ये एक मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, इसीलिए इतने कम दाम पे आपको ये मिल जाएगा। अगर मेड इन इंडिया होगा तो इसका प्राइस 4000 से ऊपर होता। उसके बाद यहाँ पे कैमरा के पार्ट्स के बारे में बताया है, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अभी करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले ये है यूजर मैनुअल, इसको पढ़ के आप इस कैमरा को इंस्टॉल और यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया पावर एडाप्टर, उसके बाद ये हो गया एक्सएल कैमरा। देखिए कितना बड़ा है, तो इसको देखेंगे, उसके बाद देखते हैं और क्या है। उसके बाद स्क्रूज वगैरह दिया हुआ है इसको वॉल पे माउंट करने के लिए, और ये एक्स्ट्रा एक्सेसरीज है। तो बॉक्स में इतना ही है, बहुत अच्छे से पैक होके आया है। तो चलिए अभी देखते हैं कैमरा को। तो ये हो गया कैमरा, देखिए सामने ये हो गया लेंस, यहाँ पे प्रोटेक्टिव फिल्म लगा हुआ है, उसको निकाल देते हैं। तो अभी देख सकते हैं ये वाला हो गया एक्चुअल लेंस, यहाँ पे माइक है, यहाँ पे सेंसर है और यहाँ पे नाइट विजन इंफ्रारेड लाइट्स है। तो यहाँ पे आपको 4 इंफ्रारेड लाइट्स मिल जाएंगे नाइट विजन के लिए, जो बहुत ही पावरफुल है। लेकिन जो नाइट विजन होता है हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट होता है। अगर आपको कलर में नाइट विजन चाहिए तो इसमें वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि इसमें आपको 4 LED लाइट्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया इसका सामने का हिस्सा, इसके पीछे यहाँ पे ये वाला हो गया स्पीकर, उसके बाद ऊपर में ये माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन है, ये देखिए, और एक रीसेट का बटन है। तो ये बहुत अच्छे से सील रहता है, यहाँ पे इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। उसके बाद ये हो गया इसका पीछे का हिस्सा, ये वाला वॉल माउंट है, यहाँ पे आपको 4 स्क्रू डाल के इसको वॉल पे आपको लगाना पड़ेगा ऐसे। और ये हो गया वाईफाई एंटेनाज। और ये जो कैमरा है ये पैन एंड टिल्ट हो सकता है, देखिए ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है और ऊपर नीचे भी हो सकता है ऐसे। तो मोबाइल से सब कुछ कंट्रोल आप कर सकते हैं, मतलब अगर आप इसको एक जगह पे लगा देते हैं, आप मोबाइल से इसको घुमा के एनी डायरेक्शन देख सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं इसका जो केबल्स है वो देख लेते हैं। मैंने बोला था आपको ये वायरलेस कैमरा है, वायरलेस तो है ही, लेकिन इसमें आपको पावर तो देना ही पड़ेगा, उसके लिए ये केबल दिया हुआ है। तो ये वाला हो गया पावर केबल और ये लैन केबल। अगर आपके घर पे वाईफाई नहीं है, अगर ब्रॉडबैंड है, ब्रॉडबैंड का लैन केबल भी आप यहाँ पे लगा के इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जो पावर अडैप्टर साथ में मिला था ये वाला, इसमें जो ये पावर आउटपुट है इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद
ये वाला जो प्लग है इसको आपको अपने स्विच बोर्ड पे लगाना पड़ेगा, बस उतना ही है। उसके बाद कैमरा ऑन हो जाएगा और उसके बाद इसका जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है बस। तो चलिए अभी इसमें पावर देते हैं और इसका ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो ये दिया मैंने पावर और देखिए यहाँ पे लाइट जलना शुरू हो गया है। तो ये देखिए ऑटोमेटिक पैन एंड टिल्ट, तो देखिए कैमरा ऑटोमेटिक पैन एंड टिल्ट हो रहा है और इसमें से वॉइस कमांड्स भी आ रहे हैं। अभी आपको एक स्मार्टफोन पे इसका ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये देखिए ऐप का नाम है ICC। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये देखिए ऐप इंस्टॉल हो चुका है, चलिए इसको ओपन करते हैं। तो अभी एग्री करना पड़ेगा, तो यहाँ पे साइन अप करने के लिए बोला है, तो चलिए साइन अप कर लेते हैं। एग्री करेंगे तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा अपना, तो मैंने दे दिया है अपना ईमेल एड्रेस। अभी नेक्स्ट करेंगे तो अभी एक OTP आया है मेरे ईमेल पे, तो OTP को मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड दे के एक अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने मेरा यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया है, तो अभी क्लिक करेंगे कंप्लीट पे। तो यहाँ पे अभी लॉगिन करने के लिए बोला है, तो वही सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा। तो लॉगिन करते हैं, एग्री करेंगे। तो ये देखिए ये हो गया ऐप का इंटरफेस। तो यहाँ पे ये प्लस आइकन एक दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा कैमरा को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे कि वाईफाई कैमरा, 4G कैमरा। तो ये जो कैमरा है ये वाईफाई कैमरा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट करने के लिए बोला है और कैमरा को पावर देने के लिए बोला है, ऑलरेडी पावर दिया हुआ है, तो नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या कैमरा से कोई वॉइस आया था, तो आया था, इसीलिए मैं नेक्स्ट करूँगा, अलाउ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी GPS को ऑन करने के लिए बोला है, तो ऑन कर देते हैं GPS को, तो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ये वाला स्क्रीन पे आपको अपने घर का जो वाईफाई है उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मैंने डाल दिया है, अभी करेंगे कंफर्म। अभी कैमरा को एक QR कोड दिखाना पड़ेगा, ये वाला है QR कोड, अभी ये दिखाना है कैमरा को। तो कनेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे अभी एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोला है, नहीं तो इसका जो फुटेज है वो आपके पड़ोसी भी देख लेंगे। तो मैंने अपना पासवर्ड दे दिया है, अभी करेंगे कंफर्म। तो अभी कैमरा का नाम डालना है, तो इसका मैंने नाम दिया है आउटडोर कैमरा, अभी करेंगे सेव। तो यहाँ पे बोला है कि कैमरा पे कोई भी माइक्रो SD कार्ड नहीं है, मैं भूल गया था लगाने के लिए, मैं डाल दूंगा। और यहाँ पे बोला है नॉर्मल ऑलवेज रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, नॉर्मल ऑलवेज रिकॉर्डिंग मतलब एनी टाइम ये 24 आवर्स रिकॉर्डिंग करता रहेगा, और दूसरा वाला है अलार्म रिकॉर्डिंग मतलब मोशन डिटेक्शन पे ही रिकॉर्डिंग करेगा। मैं ये कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करता हूँ, अभी करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे बोला है माइक्रो SD कार्ड नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, फिर भी कन्फर्म करता हूँ मैं। तो सेटअप कम्प्लीट हो गया है, नीचे पे बोला है डन। तो अभी यहाँ पे जो ये आया है ये कुछ नहीं है, सिर्फ ऐप के बारे में बताया है। मैं क्लिक करूँगा आई नो पे, तो देखिए कैमरा अभी ऑनलाइन है। अभी यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो कैमरा का लाइव प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए कैमरा का लाइव प्रीव्यू आ गया है, ये मेरा विंडो है, चलिए विंडो पे ही लगा देते हैं कैमरा को। तो ये देखिए ये लाइव प्रीव्यू है मेरे खिड़की से, और मैंने कैमरा को रखा है वहाँ पे, देखिए। तो फिलहाल अभी ये लाइव है, ऑनलाइन दिखा रहा है। तो चलिए इस ऐप के बारे में और भी देख लेते हैं। तो ये अभी ये फुल स्क्रीन मोड है, यहाँ पे एक बार टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि ये वाला हो गया वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा और मोबाइल पे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, मतलब आपका जो मोबाइल है अभी बन गया है DVR। तो अभी जो कैमरा है उसमें कोई भी माइक्रो SD कार्ड नहीं है, वायरलेसली मोबाइल पे रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो अभी अगर कोई कैमरा को छुड़ा के ले भी जाए तब भी रिकॉर्डिंग मोबाइल पे मिल जाएगा। और यहाँ पे ये स्पीकर का ऑप्शन है, ये ऑफ है, इसको ऑन कर सकते हैं, तब कैमरा के सामने जो भी आवाज़ होगा मोबाइल पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक माइक का आइकन है, देखिए इसको दबाने से आप मोबाइल के थ्रू कैमरा से बात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको प्रेस करके, हेलो 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 हेलो। तो कैमरा पास है इसीलिए एको हो रहा है, अगर कैमरा दूर होगा तो बढ़िया से आप बात कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक फोटो का ऑप्शन है, अभी ये जो क्वालिटी है ये फुल HD क्वालिटी है, यहाँ पे देखिए फुल HD दिख रहा है, तो आप HD नहीं तो फुल HD पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लाइट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इंफ्रारेड लाइट्स नहीं तो LED लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो बोल रहा है देखिए फुल कलर, इंफ्रारेड विजन और डबल लाइट अलर्ट। अगर ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे फुल कलर, ओनली LED लाइट जलेगा, और अगर इंफ्रारेड लाइट को सिलेक्ट करेंगे तो नाइट विजन लाइट ही जलेगा। तो रात के समय पे ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। और एक चीज मैंने आपको नहीं बताया है कि कैमरा को पैन एंड टिल्ट भी कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। तो उसके लिए ये जो स्क्रीन है इसको आपको स्लाइड करना है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, तो कैमरा भी हिलेगा। तो फिलहाल अभी कैमरा खिड़की पे अटका हुआ है तो इसीलिए ठीक से पैन नहीं हो रहा है, चलिए टिल्ट करके देखते हैं। तो ये टिल्ट मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस है। तो अभी ये स्क्रीन छोटा हो गया है, यहाँ पे भी आपको सभी सेम ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ से फोटो ले सकते हैं, ये हो गया फुल HD नहीं तो SD में क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, ये स्पीकर ऑन ऑफ का बटन, ये माइक ऑन ऑफ का बटन। उसके बाद ये वाला हो गया पैन एंड टिल्ट का बटन, ये देखिए नीचे आ गया है, इससे आप पैन एंड टिल्ट कर सकते हैं कैमरा को। और यहाँ पे ऑटो ट्रैकिंग का भी ऑप्शन है, देखिए।
तो अभी अगर आप इस ऑटो ट्रैक ऑप्शन को ऑन कर देंगे तब कैमरा के सामने अगर कोई आएगा तब कैमरा ऑटोमेटिक पैन एंड टिल्ट होगा। और उसके बाद इस साइड में देखिए, इस साइड में क्रूज कंट्रोल है, अगर इसको आप क्लिक करेंगे तब कैमरा ऑटोमेटिकली 360 डिग्री घूम जाएगा, तब आपको हाथ से करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद देखते हैं इसका प्लेबैक कैसे देखेंगे। तो प्लेबैक देखने के लिए वहाँ पे मेमोरी कार्ड डालना पड़ेगा और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं SD प्लेबैक। तो इसको क्लिक करने से देखिए नो रिकॉर्ड बताया है क्योंकि यहाँ पे मेमोरी कार्ड नहीं है, मैं आपको डाल के दिखाऊंगा बाद में। उसके बाद यहाँ पे लाइट अलार्म है, यहाँ से आप वही सेम लाइट्स को इंफ्रारेड लाइट्स नहीं तो लेड लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और चलिए चलते हैं अभी सेटिंग्स पे। तो एकदम राइट कॉर्नर पे यहाँ पे सेटिंग्स का बटन है, तो ये हो गया इसका सेटिंग्स। जैसे कि यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स, पासवर्ड मैनेजर, स्टोरेज मैनेजमेंट, रिकॉर्डिंग सेटिंग्स, अलार्म सेटिंग्स, नेटवर्क सेटिंग्स, क्लाउड सेटिंग्स, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये कैमरा क्लाउड भी सपोर्ट करता है, मतलब ये कैमरा क्लाउड सर्वर पे भी रिकॉर्डिंग कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। और इस कैमरा लाइव प्रीव्यू को आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये तो था ऑनलाइन मोड। अगर आपके घर पे इंटरनेट नहीं है, वाईफाई का प्रॉब्लम है, तब आप इसका जो लोकल IP हॉटस्पॉट है उसको यूज कर सकते हैं, मतलब इस कैमरा से भी वाईफाई एमिट होता है जो आप अपने मोबाइल पे यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको नेटवर्क सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। तो ये हो गया नेटवर्क सेटिंग्स। तो यहाँ पे दो मोड है, एक है राउटिंग मोड और एक है IP मोड। राउटिंग मोड मतलब ऑनलाइन, देखिए मेरा जो राउटर है वो कनेक्ट है, अगर आप IP मोड को सिलेक्ट करेंगे तब इससे लोकल वाईफाई निकलेगा जिसको आप अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और तब लाइव प्रीव्यू देखने के लिए आपको अलग से इंटरनेट का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन तब आप कैमरा से ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन मोड पे आप चाहे जितना भी दूर चले जाए आप इसके लाइव प्रीव्यू को अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। तो मैंने इस कैमरा को मेरे घर के बालकनी पे लगाया है टेम्पोरली, आप परमानेंटली लगा लीजिएगा अपने वॉल पे या पिलर पे। तो अभी ये कैमरा मेरे घर के सामने के रास्ते को कैप्चर करेगा 24 घंटे। तो चलिए देखते हैं इस कैमरा का वीडियो सैंपल।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो काम का लगा। अगर आपको ये वाला वाईफाई आउटडोर सीसीटीवी कैमरा खरीदना है तो उसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप खरीद सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का प्रोडक्ट अच्छा लगा और वीडियो भी अच्छा लगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के यूजफुल प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।